हेलो लर्नर्स। तो पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में ना हमने यहाँ तक हमारा बना के देखो, हमारा ये जो साइट था ये मैंने यहाँ तक बना लिया था, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार था और अब ना इसमें हमने लॉगआउट का काम करना है। सबसे पहले तो ये लॉगआउट का काम करना है। देखो यहाँ पे मैंने लॉगआउट के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने इसकी एक फाइल बना लिया था। मैंने अब बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने एक यूजर के अंदर एक लॉगआउट फाइल बनाना, न्यू फाइल लेके यहाँ पे बना लिया था। और उसमें बस ये कुछ ऐसे इतनी सी कोडिंग करनी है। इसमें मैंने क्या किया, पहले सेशन स्टार्ट किया और फिर सेशन अनसेट किया। तीन वेरिएबल्स को अनसेट किया, एक सेशन लॉग्ड इन, सेशन आईडी और सेशन नेम। क्योंकि ये तीनों वेरिएबल हमने जब मैं लॉग इन करवा रहा था तब मैंने देखो यहाँ पे ये तीनों वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे सेशन वेरिएबल में स्टोर करवाया था। इसीलिए जब मैं इसके लॉग आउट में आया तो मैंने इन तीनों को अनसेट किया। फिर मैंने सेशन को डिस्ट्रॉय किया इससे, और फिर डिस्ट्रॉय होने के बाद मैंने लोकेशन कहाँ भेज दी, हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट पी एच पी पे। तो हम लॉगिन डॉट पी एच पी पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये और इंडेक्स डॉट पी एच पी में जो यहाँ पे हेडर डॉट पी एच पी में आते हैं, यहाँ पे देखो जहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन दिया है हमने। देखो ये जो लॉगआउट का ऑप्शन यहाँ पे, और इसमें लिंक कहाँ का दिया है मैंने, इस लॉगआउट डॉट पी एच पी का। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा इस लॉगआउट बटन पर, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पासवर्ड 1 2 3 4 5 ये लॉग इन करते हैं हम। देखो ये माई अकाउंट पर जब भी इस लॉग आउट पे क्लिक करेंगे ना, तो देखो ये वे वाला लॉग आउट बटन हमारा कॉल होगा, ये वाला लॉग आउट फाइल कॉल होगा और ये बाकी ये काम होगा। और लास्ट में हेडर लोकेशन लॉग इन डॉट पी एच पी पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये लॉग आउट बटन चलेगा, ठीक है। तो चलो ये हमारा बन के रेडी है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आज लॉग इन करेंगे और उसके अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर ये वाला हमें साइड बार बनाना है जल्दी से, ठीक है। देखो हम इसकी कोडिंग यहाँ पे शुरू करते हैं। इंडेक्स डॉट पी एच पी में आते हैं, यहाँ पे हमने लेना है डी आई वी और यहाँ पे लेना है क्लास, यहाँ पे लिखना है कंटेनर। क्लास लेनी है हमने रो, और इसके अंदर फिर से लिखना है डी आई वी। इसकी क्लास लेनी है हमने कॉल एस एम, इसे कॉपी करना है ये वाला और इसे कर देना है पेस्ट नीचे जस्ट यहाँ पे, और इसमें इसे लिखना है 9। और इसके बीच में हमने यहाँ पे साइड बार बनाना है, ठीक है। इस एस एम थ्री में यहाँ पे मैंने क्या 9 through 12 ग्रिड में बांट दिया। यहाँ पे इस पेज को 3 कॉलम इधर होंगे और बाकी का 12 यहाँ पे मिलेगा कॉलम। ये 3 कॉलम का था, ये 12 9 कॉलम का था। तो अब देखो ये क्या होगा यहाँ पे, अब इस 3 कॉलम में हमने बनाना है एक टेबल। अब टेबल के अंदर सबसे पहला होता है टी आर, के अंदर होता है टी डी, के अंदर हमने एक लिंक डालना है। और यहाँ पे सॉरी पहले वाले में लिंक नहीं डालना, यहाँ पे लिखना है सी ए टी ई जी ओ आर आई एस। कैटेगरीज रहेगा पहला में, इसे करना है कॉपी, यहाँ करना है पेस्ट इसके नीचे। और कैटेगरीज में यहाँ पे जो पहला रहेगा यहाँ पे मैंने ये करना है और बेस्ट सेलर्स बेस्ट एस ई डबल एल ई आर डॉट पी एच पी। अब इस लिंक के बीच में लिख देना है बेस्ट, बस इसे हमें कॉपी करना है 3 4 बार। मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बेस्ट सेलर्स के बाद देखो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, एक्शन एंड एडवेंचर्स बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे एक्शन एंड एडवेंचर एंड ए डी वी ई एन ए डी वी ई एन टी यू आर एस एक्शन एंड एडवेंचर्स। तीसरा क्या था हमारा, यहाँ पे देखते हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट बिजनेस एंड जी ई मैनेजमेंट। तीसरा था नॉवेल कॉमिक्स समथिंग ऐसा, कॉमिक्स और कर देते हैं हम इंडियन राइटिंग, ठीक है, इंडियन डब्ल्यू आर आई टी आई एन। अब यहाँ पे जो हर जगह बेस्ट सेलर्स है ना, इस हिसाब से बदल देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है एक्शन और यहाँ पे एडवेंचर ए डी वी ई एन टी यू। ये बस मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ कि इस तरह से मैं फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है। इन सब फाइल को मैंने क्रिएट करना है फिर से, और इनके इनकी भी कोडिंग करनी है। तो बेस्ट सेलर के या बिजनेस मैनेजमेंट, तो बिजनेस मैनेजमेंट
है तो दिन ये। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, नॉवेल्स यू नो .php ये सही है। कॉमिक्स के लिए लिखना है यहाँ पे सिर्फ MICS कॉमिक्स .php, और लास्ट लास्ट में यहाँ पे इंडियन राइटिंग, राइट। तो इंडियन राइटिंग WRITING .php ये हो गया हमारा। अब देखो ये हम इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे जाकर कैसा दिखेगा। अभी देखो कुछ इस तरह से ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। अब इस वाली चीज़ को हमें इस तरह से में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, इसकी स्टाइलिंग करेंगे। इस टेबल की हमने स्टाइलिंग करनी है, तो कैसे स्टाइलिंग करनी है, चलिए यहाँ पे हम हेडर सेक्शन में आएंगे हमारे, और इस टेबल का नाम हमने क्लास दे देना है। देखो यहाँ पे इस टेबल का क्लास हमने दे देना है, तो यहाँ पे स्टाइल के बीच में यहाँ पे हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा साइड बार और इसके TR का TD, ये मतलब हुआ। देखो ये एक मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल में एक TR होता है और उसके TD को मैंने सिलेक्ट किया, मतलब इस इन सब को सिलेक्ट किया। ओके अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले 100% रहेगा इसका विड्थ, ठीक है। अब इसकी हाइट दे देते हैं हम 39 पिक्सल समथिंग, 39 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन, देखो इसे क्या होगा हमारा इतने करने से, देखो ये कुछ इस तरह से। ओके ओके यहाँ पे कुछ 390 पिक्सल हो गया। अब ठीक है, ठीक है, हाइट हमारा सही है। तो अब देखो ये है ना, तो अब इसकी बॉर्डर हमें लिखनी है, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स ये। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसे यहीं रहने देते हैं, और अब हम साइड बार की TD का हमने ये कर लिया, साइड बार के TR का nth चाइल्ड, ठीक है, TR का nth चाइल्ड हमें सिलेक्ट करना है, nth चाइल्ड ऑफ फर्स्ट, तो इवन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इवन। यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है ना हमें दे देनी है डीम ग्रे, GRAY, ठीक है। अब देखो इसे क्या होगा, nth चाइल्ड इवेंट से क्या होगा हमारा, देखो ये तीनों का कलर ग्रे हो गया, डीम ग्रे हो गया। अब इसे हमने बस यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ करना है पेस्ट यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इवेंट को कर देना है ऑड, क्या हुआ ये देखो, ये हमारा पूरा डिम ग्रे हो गया, ठीक है। अब लेकिन ना इन सबका कलर हमें ना वाइट दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कलर वाइट, WHITE, यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, कलर वाइट WHITE, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा, लेट मी चेक, देन कलर वाइट, ठीक है। तो देखो ये कलर वाइट काम नहीं किया, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना है कि देखो अभी यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, इसे एक बार कॉपी करना है इसे। अब यहाँ पे एक बार पेस्ट करते हैं इसे, करने के बाद यहाँ पे पहला जो मैंने लिखना है यहाँ पे वन, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देना क्रिमसन। तो देखो ये जो पहला जो है ना TR, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखो इसका कलर कर देना है वाइट यहाँ पे, कलर तो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एक सिंपल टेक्स्ट है, लेकिन ये जो है सारे लिंक है इसलिए उनका कलर चेंज नहीं हुआ था। तो इसका कलर चेंज करने के लिए ना हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है डॉट साइड बार के TR का TD का लिंक एंकर टैग को सिलेक्ट करना है, इसका कलर कर देना है वाइट। ये चीज हुआ। अब जो इसके अंदर जो ये अंडरलाइन आ रहा है ना, तो इसे रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, लिखना टेक्स्ट डेकोरेशन नन, वो भी खत्म हो जाएगा, देखो ठीक है, ये खत्म हो गया ना हमारा। अब यहाँ पे हमने इसे विड्थ 100% नहीं, अपने मुझे 200 पिक्सल कर देना है, ज़्यादा सही रहेगा। देखो यहाँ पे सही है हमारा, ये 200 पिक्सल ये सही है, ठीक है। तो अब हमारा ये मेनू देखो इस तरह से था, ये मेनू बनकर तैयार है। इसमें मैंने इतना ज़्यादा अब बस ये सारे लिस्ट नहीं किए, मैंने कुछ ही लिस्ट किए ताकि हम बस मैं यहाँ पे समझा सकूँ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे अब
इस वीडियो में ना हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में ना हम ये वाली कोडिंग करेंगे, ठीक है। ये वाला जो बुक हमारे पास आ रहा है ना, ये सारे बुक हम इस पेज पे डेटाबेस से कैसे फेच करते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।